नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रमेश एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना ये वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी 2021 से जो आंसर की रिलीज हुआ है उसमें कौन कौन से गड़बड़ी है, कौन कौन से क्वेश्चन गलत है जिसे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। पार्ट वन वीडियो में हमने देखा था कुछ क्वेश्चन जिसे आप लोगों ने अभी तक रेज कर दिया होगा, क्योंकि उसका रेज करने का जो है वह कल रात से ही वह खुल चुका है। तो आप यदि कोई भी क्वेश्चन जो डाउट है और जो मैंने बताया है पार्ट वन वीडियो में, तो आप उसे रेज कर सकते हैं, क्योंकि रेज करने से क्या होगा कि वो क्वेश्चन का मार्क्स आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो इसमें पार्ट टू वीडियो में हम लोग आंसर की में और भी जो क्वेश्चन गलत है उसे हम लोग देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन गलत है, इजी क्वेश्चन को भी गलत दिया है। आप लोग देखिएगा इसमें, यदि आपके शिफ्ट में वो क्वेश्चन होगा तो निश्चित रूप से आप उसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और ऑब्जेक्शन करने से क्या होगा कि इसको हो सकता है कि आपका मार्क्स बढ़ जाए। कभी कभी क्या होता है कि 0.5 या 0.12 से भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसलिए निश्चित रूप से यदि क्वेश्चन गलत है तो उसे रेज कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के यदि रेज करेंगे क्वेश्चन तो रेलवे उस क्वेश्चन को हटा देगा और उसके बदले में निश्चित रूप से मार्क्स आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है यह मैथ का एक क्वेश्चन है, किसी भी शिफ्ट में आया हुआ है। यदि आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है तो आप इसे रेज करिएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि इसमें से कौन सा नंबर है ये चारों विकल्प में से जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसमें आयोग ने जो है वह फोर्थ नंबर विकल्प को माना है, यानी कि फोर्थ नंबर ऑप्शन को बताया है कि यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। लेकिन फोर्थ नंबर भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा जो है यह दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वह भी हो सकता है, या अभी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्योंकि हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन। 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर इजकल टू 16 और 3 स्क्वायर इजकल टू 9 इंटू 5 स्क्वायर इजकल टू 25, तो 16 यानी कि 16/25 नंबर 225 हो जाएगा। जब 225 से 16 से डिवाइड करेंगे तब यहाँ पे एक जीरो करने के लिए फिर जीरो आ जाएगा, फिर जीरो करने के लिए जीरो आ जाएगा, तो 25 सते जो होगा 225 × 7 = 1576 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 225 हो जाएगा, फिर जीरो आएगा, जीरो आने से क्या होगा फिर 225 से कम 225 होगा, तो 225 होगा। तो इसी तरह से 25 25 25 इसी तरह से हमेशा आते रहेगा। तो यह निश्चित रूप से जो है वह क्या हो गया, यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो निश्चित रूप से ये दूसरा विकल्प भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, और इसको आयोग ने माना है। तो ये तो एम्बिगियस हो गया, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसलिए इस पे आप रेज कीजिएगा तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन जो है वह टर्मिनेट हो जाएगा, और इसके बदले में जितने लोगों को है सभी किसी को मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए इस पर आप निश्चित रूप से आप रेज कीजिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि ये दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। जैसे इसमें आयोग ने बताया है कि सौर मंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, जबकि इसका सही आंसर होना चाहिए, जब आप गूगल में सर्च भी करेंगे तो सौर मंडल की आयु जो है वह 4.5 बिलियन ईयर्स है। तो इस तरह से ये तो गलत हो जाएगा। और उसके बाद में इसका सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, यह भी गलत है, क्योंकि यह जो था बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह बहुत पहले थे, लेकिन अभी चूंकि एग्जाम जो हुआ है वह 2020-2021 में हुआ है, और ये जो डाटा अपडेट हो चुका है 2019 में, अभी जो सबसे ज़्यादा ग्रह हैं वह बृहस्पति ग्रह के ना होकर शनि ग्रह के हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे डाटा दिया हुआ है कि अमेरिकी खगोलविदों के अनुसार सबसे अधिक चंद्रमा के मामले में ग्रह शनि ने बृहस्पति को पीछे छोड़ दिया है। शोधकर्ताओं ने इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे 20 नए चंद्रमाओं की खोज की, और इस तरह इनकी संख्या 82 हो गई है, जबकि बृहस्पति के चारों ओर 79 चांद चक्कर लगाते हैं। यानी कि इसमें जो हो जाएगा यह भी गलत हो जाएगा, और ये तो गलत है ही। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो हो गया वह एम्बिगियस हो गया। तो आप इस पर रेज कीजिए, निश्चित रूप से रेज करने से क्या होगा कि आपको इसके मार्क्स एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिल जाएंगे, तो आप इसे रेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन गलत है। जैसे दिया हुआ है, दी गई तालिका 2014 से 2018 वर्ष का है, इस दौरान दिल्ली में 4 अलग अलग जिम, यानी कि ए बी सी डी जो है वह जिम है,
शामिल हुए लोगों की संख्या को दर्शाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा है कि 2018 में जिम ए में शामिल होने वाले लोगों की संख्या, यानी कि ए में 2018 में शामिल होने वाले लोगों की संख्या और 2018 में जिम डी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये 16%, यह गलत है। सोलह प्रतिशत गलत है, आप इसको जो है रेज कर सकते हैं, निश्चित रूप से इस पे आपको मार्क्स मिलेगा। यदि आपके शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसे रेज कीजिए। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, यानी कि आयात का संबंध निर्यात से है तो व्यय का संबंध किससे होगा। तो आयात और निर्यात दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो व्यय का संबंध जो होना चाहिए क्रेडिट या जमा से होना चाहिए। राजस्व भी हो सकता है क्योंकि राजस्व भी पैसा से संबंधित होता है, वहाँ पे पैसा एकत्रित किए जाते हैं। तो लेकिन ये दो दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो इस पर भी आप रेज कर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा और इसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यदि आपके शिफ्ट में यह आया है तो आप इसे रेज कीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ नवंबर 2020 विच टीम इज नंबर वन इन द आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट रैंकिंग्स, यानी कि आईसीसी टी20 मेन क्रिकेट में 2018 के अनुसार कौन सा टीम जो है वह एक नंबर पे है। तो निश्चित रूप से इस पर रेज उठाना है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो कभी भी नहीं होगा, नंबर वन पे इंग्लैंड है और इंग्लैंड 2018 में भी था और 2018 से लेकर अभी तक इंग्लैंड नंबर वन पे ही बना हुआ है। तो इस तरह से आप इसको इस क्वेश्चन को रेज कीजिए, इसके जरूर ये क्वेश्चन हट जाएगा और इसके नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा में MB निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है। आयोग ने इसका आंसर जो है मेगाबिट माना है, जबकि मेगाबिट नहीं होगा, इसका आंसर होगा मेगाबाइट। यदि आपने मेगाबाइट क्वेश्चन को लगाया है तो आप इस क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं, जिसके शिफ्ट में भी आया है वो लोग इसे जरूर रेज करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3% की वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में 240 रुपये की वृद्धि हो जाती है, निवेश की गई राशि बताना है, यानी कि मूलधन आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है 8000 होना चाहिए, लेकिन आयोग जो है वह 4000 माना है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इसे भी रेज कर सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जैसे दिया हुआ है R=3% बढ़ने पर दिया हुआ है, और SI जो बढ़ा हुआ है वह 240 रुपया बढ़ा हुआ है। SI जो होता है वह रेट पर ही निर्भर करता है, तो निश्चित रूप से एक समय के लिए बढ़ा होगा। तो 3% का कीमत कितना है, 240 रुपया। तो 1% का कितना हो जाएगा, 240 × 3 यानी कि 80 हो जाएगा। तो 100% पे CP होता है, तो 100% का कीमत कितना हो जाएगा, 80 × 100 = 8000, या 800 नहीं होगा, या 8000 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो होना चाहिए वह 8000 होना चाहिए, न कि 4000। तो जिनके भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है आप इसे जरूर रीच कीजिए, आपका क्वेश्चन जो है ये सही हो जाएगा, क्वेश्चन हट जाएगा मतलब, और आपके नंबर जो है मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। पेट्रोलियम जो होता है वह ऊर्जा का अक्षय स्रोत तो कभी नहीं है, कोयला भी नहीं है, और नाभिकीय विखंडन इसमें रेलवे आयोग ने माना था, लेकिन नाभिकीय विखंडन भी एक ऊर्जा का अक्षय स्रोत नहीं है क्योंकि इसका नाश हो सकता है। लेकिन लकड़ी जो होता है वह लकड़ी ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत होता है, क्योंकि लकड़ी को जलाने के बाद में, लकड़ी हटाने काटने के बाद में फिर से लकड़ी को हम लोग उपजा सकते हैं, कुछ दिनों में फिर से लकड़ी आ जाएगा, इसलिए लकड़ी ही होगा ऊर्जा का अक्षय स्रोत। इसलिए आप इसका भी आप रेज कर सकते हैं, इस पर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह सिलोलियम का क्वेश्चन है, जो कि निश्चित रूप से गलत है। क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ चील पक्षी है, सभी पक्षी काले हैं, निष्कर्ष इसका निकालना है, कुछ काले पक्षी चील है, कुछ काली चीले चील है। तो इसमें केवल दिया हुआ है निष्कर्ष 2 पालन करता है, जबकि इसमें होगा क्या, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करेंगे। जैसे कि इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कुछ चील पक्षी है। तो इसका जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो चील हो जाएगा, तो इसका कुछ चील यानी कि इतना जो पार्ट है वह पक्षी हो गया, यानी कि कुछ चील पक्षी है हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, सभी पक्षी काले हैं,
सभी पक्षी काले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम बना लिया, सभी पक्षी जो है वह काले हैं। तो अब हम लोग इसका देख लेते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, कुछ काले पक्षी चील हैं, काले पक्षी चील हैं। तो काला तो यहाँ पे आ गया, इसमें कुल काले में ही कुछ पक्षी तो आ ही जा रहा है, तो निश्चित रूप से सही हो जाएगा, कुछ काले पक्षी जो है वह चील है। चूंकि चील यहाँ पे देखिए ये वाला चील आ गया, तो ये तो पूरा काला है, तो निश्चित रूप से काले में ये चील आ जा रहा है, तो इसलिए ये विकल्प नंबर एक सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प दिया है कुछ काली चीज़ें चील है, यहाँ पे देखिए कुछ काली चीज़ें चील है, यहाँ पे काली चीज़ें यानी कि ये तो पूरा लिया हुआ है, तो इसमें पक्षी भी आ जा रहा है, चील भी आ जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये भी सही होगा, यानी कि दूसरा नंबर भी फॉलो करेगा, यानी कि बोथ वन एंड टू फॉलो। जितने भी स्टूडेंट बोथ वन एंड निष्कर्ष एक और दो दोनों पालन करते हैं, लगाए हैं, वे इसका रेज कर सकते हैं, या निश्चित रूप से ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या होता है? आयोग ने इसे इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल होता है यह माना है, लेकिन इसमें जो होगा विकल्प नंबर तीन भी सही होगा, यानी कि दो भी सही है और तीन भी सही है, इसमें कोई वंशानुगत तत्व नहीं होता है, यानी कि जो स्टूडेंट दो या तीन में से कोई भी लगाए होंगे वो दोनों सही होगा, तो ये तो एम्बिगियस हो गया, तो निश्चित रूप से आप इसे रेज कीजिए, यह क्वेश्चन हट जाएगा और इसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इसको मिलान करना है, तो मीथेन का तो CH4 होता है, इथेन का हो जाएगा C2H6, प्रोपेन का C3H होना H8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे C4H8 दिया हुआ है, C4H8 के जगह पर C3H8 होना चाहिए, तो इसके हिसाब से विकल्प तो ए का वन, बी का इथेन का फोर, सी का टू और डी का थ्री, ये तो सही है, यहाँ पे अगर C3H8 मान लेते हैं तो, लेकिन यह तो एम्बिगुअस क्वेश्चन हो गया, तो इसे भी आप मतलब रेज कर सकते हैं, तो रेज कीजिएगा, तो इसे क्या होगा कि ये क्वेश्चन ही हट जाएगा और इसके मार्क्स सभी को मिल जाएंगे, तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को रेज कीजिए आप। उसके बाद में स्टेटमेंट कंक्लूजन का ये क्वेश्चन दिया हुआ है सिलोलिज्म से रिलेटेड, ये भी क्वेश्चन गलत है, इसमें बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो दिया हुआ है, जबकि ये नहीं होगा, नाइदर कंक्लूजन वन और नॉर टू फॉलो होगा। जैसे देख क्वेश्चन दिया हुआ है ऑल लीव्स आर इन प्लैनेट, इसको हम लोग बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख गया ऑल लीव्स हो गया, ऑल लीव्स आर इन प्लान मतलब प्लैनेट गार्डन, क्वेश्चन है ऑल लीव्स आर इन प्लैनेट, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है ऑल प्लांट्स आर इन गार्डन, ऑल प्लांट्स जितने भी प्लांट है वो गार्डन में है, निश्चित रूप से गार्डन में है। अब कंक्लूजन क्या है, ऑल गार्डन्स हैव लीव्स, ऑल गार्डन्स हैव लीव्स, निश्चित रूप से ये गार्डन जो है इस गार्डन में ही लीव्स है, तो नहीं सभी गार्डन तो लीव्स नहीं है, इतना ही लीव्स है, तो निश्चित रूप से ये पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, ऑल गार्डन्स हैव प्लैनेट, सभी गार्डन का तो प्लैनेट नहीं है, मात्र इतना ही कहीं है, तो इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से नाइदर वन नॉर टू, ना तो एक फॉलो कर रहा है ना ही दो फॉलो कर रहा है, तो इसे आप निश्चित रूप से रेज कीजिए, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ पे सोनार या सोनार का संक्षिप्त रूप आपको बताना है, सोनार का जो होगा वह मतलब कि पूरा फुल फॉर्म क्या होगा यह आपको बताना है, तो इसे आयोग ने फोर नंबर विकल्प यानी कि साउंड नोटिफिकेशन एंड रेंजिंग बताया है, जो कि बिल्कुल गलत है, इसे आप निश्चित रूप से रेज कीजिए, इसका विकल्प नंबर एक सही होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसने भी यह एक विकल्प चुना है वह सही है। यदि कोई भी शिफ्ट में एक व्यक्ति भी रेज कर देता है तो वह सभी का मार्क्स बढ़ेगा निश्चित रूप से, यदि लेकिन मेरे अनुसार सभी को रेज करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग रेज करेंगे तो आयोग के ऊपर दबाव बढ़ेगा और क्वेश्चन वह निश्चित रूप से हट जाएगा, तो इसका विकल्प नंबर एक सही है, तो आप इसे रेज कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन है ई वे विल खलीफा पे की कसासी संबंधित आए, मतलब ई वे विल जो है वह किससे संबंधित है यह आपको बताना है, तो आयोग ने इस क्वेश्चन को ही हटा दिया है, तो इस पर तो सभी किसी को नंबर मिल जाएगा, तो इसके लिए कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप इस पर रेज कीजिए या नहीं कीजिए, सभी किसी को नंबर इस पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए शेयर्ड नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू इट्स स्टाफ इज, मतलब शेयर्ड नेटवर्क जो होता है
जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है तो क्या उससे क्या होता है, तो ये जो होगा इंटरनेट से होगा, जबकि आयोग ने इसे तीन नंबर विकल्प यानी कि इंटरनेट मान लिया है, तो इंटरनेट यह सही विकल्प होगा। तो आप इसका जरूर रेज कीजिए, तो ये क्वेश्चन जो है वह गलत आयोग ने बता दिया है, इसका नंबर आपको जरूर मिल जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट है फुटबॉल की UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 के फाइनल मैच का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया था। आयोग ने इस क्वेश्चन को भी हटा दिया है, तो इसके मार्क्स तो सब किसी को मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा पद उसके साथ वही संबंध है जो जिसका दूसरे पद से है, यानी कि नेपोलियन जो है फ्रांस से संबंधित है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस किससे संबंधित होगा। तो नेपोलियन जो होता है वह फ्रांस का रहने वाला था, तो उसी तरह से क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वह स्पेन का रहने वाला था, तो इस बेसिस पर स्पेन सही होना चाहिए, जबकि आयोग ने अमेरिका मनाया, अमेरिका तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, इस हिसाब से स्पेन इसका सही आंसर होना चाहिए, और इस पर आप रेज कीजिए तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में ये स्टेटमेंट आर्गुमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है शुड देयर बी नो वेरिफिकेशन फॉर स्कूल चिल्ड्रेन लाइक कॉलेज स्टूडेंट, तो इसमें बोथ द आर्गुमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, यह बिल्कुल गलत है। यस देख लेते हैं, एक नंबर विकल्प है यस स्टूडेंट शुड बी गिवन फ्रीडम टू वियर द क्लॉथ्स ऑफ देयर चॉइस, दूसरा विकल्प है नो यूनिफॉर्म्स विंस टू क्रिएट डिसिप्लिन एंड इक्वलिटी अमंग स्टूडेंट, तो केवल दूसरा नंबर विकल्प जो है वह सही है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, पहला नंबर नहीं है, तो निश्चित रूप से क्योंकि एक समान जो कपड़ा रहेगा वह सिमिलरिटी करेगा और किसी में भेदभाव नहीं होगा, इसलिए विकल्प नंबर दो सही है, एक गलत है, तो ओनली आर्गुमेंट टू इज स्ट्रॉन्ग इसका सही आंसर होगा। जिसने भी लगाया है इसे आप रेज कर सकते हैं, रेज करने से क्या होगा कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, एक दो नंबर से भी 0.05 से भी रिजल्ट किसी का रुक जाता है या हो जाता है, तो इसलिए आप रेज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द शॉर्टकट की इन की टू ओपन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें बताना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी होता है, यानी कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अल्ट प्लस ई प्लस एस, अल्ट प्लस ई प्लस एस जो होता है वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं ना होकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है, तो एक्सेल का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है आयोग ने, यह बिल्कुल गलत है, और इसमें कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी कोई दिया भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से हट जाएगा, तो आप इस पे रेज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से चारों में से डिफरेंट कौन सा है, फिगर वन फिगर टू फिगर थ्री फिगर फोर, डब्ल्यू ओ एच एल होगा, तो इसका हम लोग अगर यदि मिरर इमेज देखते हैं तो मिरर इमेज जो होगा डब्ल्यू का तो सेम ही होगा, ओ का भी सेम होगा, एच का भी सेम होगा, एल का जो होगा मिरर इमेज सेम नहीं होगा, तो इसलिए फिगर नंबर फोर जो होगा यह सही आंसर होगा, तो आप इसे रेज कर सकते हैं, इसको आपको क्वेश्चन हटाना पड़ेगा आयोग को, और इसके मार्क्स सभी को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक डीआई का है, इसमें दिया हुआ है तालिका में अनीता और सुनीता नामक दो सहेलियों द्वारा एक सेमेस्टर परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है, यानी कि अनीता और सुनीता का मार्क्स और उसका पूर्णांक दोनों दर्शाया गया है, उनके कुल प्राप्त अंक प्रतिशत में कितना है, यानी कि सबसे पहले दोनों का प्रतिशत अंक निकालना है और दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले अनीता का देख लेंगे, अनीता का 70 मार्क है, 50 मार्क है 100 में, 45 मार्क है 50 में, 30 मार्क है 50 में, ये तो ठीक है। सुनीता का 85 मार्क है अंग्रेजी में 100 में, फ्रेंच में 90 है 100 में, जीव विज्ञान में 40 है 50 में, लेकिन भौतिक विज्ञान में 25 नंबर है 20 नंबर में, ये कैसे संभव हो सकता है, पूर्णांक कम है और मार्क्स ज़्यादा आ गया है, तो इसीलिए आप इस पर रेज कीजिए, ये क्वेश्चन ही हट जाएगा। जो भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए या देखे हैं तो उन लोगों को निश्चित रूप से इसको रेज करना चाहिए, क्योंकि कभी भी पूर्णांक जो होता है कम नहीं हो सकता है
आपके मार्क्स से, तो ये क्वेश्चन आपको हट जाएगा और इसका मार्क्स सभी को इसी को मिल जाएगा, निश्चित रूप से आप इसे रेज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया हुआ है हमारे सब्सक्राइबर ने, इसे भेजा था 1 2 3 डैश 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 एन की संगत बारंबारता के साथ थे, मानो 1 2 3 4 डॉट 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 एन की माध्य निकालना है, यानी कि संगत बारंबारता 1 2 3 डॉट 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 दिया हुआ है, तो इसी का हमको माध्य निकालना है। तो देखिए इसका माध्य कैसे निकलेगा, बारंबारता जो होता है 1 2 3 4 होता है, तो माध्य जो होता है निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर आपको अरेंज करते हैं, तो 1 पहला तो हो जाता है, फिर उसके बाद में 1 + 2 यानी कि 3 करते हैं, फिर उसके बाद में 2 + 3 इक्वल टू 5 करते हैं, फिर उसके बाद में 3 + 4 इक्वल टू 7 करते हैं, और इसी तरह से चलते जाएगा। यानी कि ये जो हमारा नंबर आ गया 1 3 5 7 यानी कि ऑड नंबर का एक नंबर आ गया, तो इसका जो एवरेज होगा समेशन ऑफ एन डिवाइड बाई एन, यह जो होता है n+1/2 होता है, तो निश्चित रूप से आपका विकल्प नंबर 4 सही होगा, n+1/2 जो कि इनका भी ऑप्शन 4 नंबर ही था, तो ये निश्चित रूप से सही हो जाएगा n+1/2 जो कि आयोग ने माना है 2n+1/3, ये बिल्कुल गलत है, तो इसीलिए आप इस पर रेज कीजिए, इसके नंबर आपको जरूर मिल जाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को देख लिया है, जितना अभी तक हमारे पास मिला है वो सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको भी एम्बिगियस लगता है या आपको डाउट होता है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9398726161 पे भेज सकते हैं, निश्चित रूप से यदि हम उसे चेक करके आपको बताएंगे वह सही है या गलत है। तो आप अपने दोस्तों के साथ तब तक इसे शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए सब किसी को, थैंक यू वेरी मच।